हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे। तो सर, आज की वीडियो में रियलमी 6 में कॉल ऑफ ड्यूटी गेम टेस्ट करेंगे, वो भी हाई ग्राफिक्स पे। तो चलिए देखते हैं रियलमी 6 में कॉल ऑफ ड्यूटी गेम किस तरह से वर्किंग करता है, कोई लैग या हैंगिंग्स आता है नहीं। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, एक बार मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वही देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में रियलमी 6 है दोस्तों, 4GB 64GB वाला वेरियंट है और एक कॉमेट ब्लू कलर में मेरे पास अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, पहले सेटिंग में जाकर एक बार आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों अबाउट फोन पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों फोन का सारा डिटेल्स मिल जाएगा, कितने जीबी का है, कौन सा वेरियंट है, सारा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से गेम को ऑन करते हैं। यहाँ पर गेम ऑन हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा कौन वेट करता हूँ जब तक गेम ओपन नहीं हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं गेम ओपन हो चुका है। तो चलिए गेम की सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेना, कस्टमाइज कर लेना, ताकि खेलने में आसानी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों जाएंगे ग्राफिक्स पर। तो चलिए ग्राफिक्स पर क्लिक करते हैं। पहले दोस्तों आपको हाई ग्राफिक्स में खेल के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको वेरी हाई ग्राफिक्स में खेल के दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे सेव कर लिया हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाई ग्राफिक्स सेव हो चुका है। तो चलिए गेम को अब ओपन करते हैं। यहाँ पर गेम ओपन हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा कौन वेट करना पड़ेगा। तो चलिए वेट कर लेते थोड़ा कौन। तो दोस्तों गेम ओपन हो चुका था, चलिए खेल के देखते हैं रियलमी 6 पर कॉल ऑफ ड्यूटी कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों रियलमी 6 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है खेल में। और थोड़ी दिन आपको खेल के दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हाई ग्राफिक्स पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई हैंग या लैग इशू नहीं आ रहा है, काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हाई ग्राफिक्स में खेलने में। तो चलिए दोस्तों, अब आपको वेरी हाई ग्राफिक्स में खेल के दिखाऊंगा। तो चलिए वेरी हाई में सिलेक्ट करते हैं गेम को। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं गेम के। यहाँ पे ग्राफिक्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं वेरी हाई में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए सिलेक्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे सेव हो चुका है। तो चलिए कैंसिल करता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ। तो चलिए फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, ग्राफिक्स पर क्लिक किया, देखिए दोस्तों वेरी हाई में सिलेक्ट हो चुका है। तो चलिए गेम को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक किया, चलिए गेम ओपन हो रहा है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर थोड़े कौन वेट करते हैं, गेम ओपन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे गेम ओपन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं वेरी हाई ग्राफिक्स पर किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है रियलमी 6 पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों खेलने में काफ़ी स्मूथ लग रहा है, क्योंकि दोस्तों रियलमी 6 में आपको 90Hz स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, इसलिए दोस्तों काफ़ी स्मूथ लग रहा है खेलने में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए और थोड़ा कौन खेल के दिखाता हूँ इस फोन का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों आपको रियलमी 6 पर आपको G90T प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर काम करता है प्रोसेसर, एक गेमिंग प्रोसेसर है, इसलिए दोस्तों इसमें कोई लैग या हैंगिंग इशू नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छे से गेम वर्किंग कर रहा है।
और दोस्तों रियलमी 6 पर हाई ग्राफिक्स और वेरी हाई ग्राफिक्स में दोनों में कोई किसी भी में प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रहा है। और दोस्तों इसमें कोई भी लैग है हैंगिंग सो नहीं देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस रियलमी 6 में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस फोन का हीटिंग इसको बात करो तो थोड़ा बहुत दोस्तों गेम खेलने से हीटिंग होगा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो एवरेज हीटिंग इशू है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हीटिंग इशू लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, और मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर करना। तो तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।